हेलो एंड वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शुभम और आज हम लोग इस बात करने वाले हैं हरियाणा पोस्ट ऑफिस के भर्ती के बारे में जो 2020 का है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हरियाणा पोस्ट में 600 प्लस वैकेंसी निकल चुका है। इनमें जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गए, असिस्टेंट ब्रांच मास्टर हो गए, ग्रामीण डाक सेवक हो गए, और भी बहुत सारे पोस्टेज हैं। ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 8 जून से और 7 जुलाई तक, मतलब आज हो गया 10, परसों से अप्लाई हो चल रहा है, आप 7 जुलाई तक कर सकते हैं। लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है आपको। ठीक है, और इसमें हरियाणा में 608 है, तो जो जनरल है उसमें 276 वैकेंसी है, EWS है उसमें 60, OBC 167 और PhD जो होते हैं ना 5, PhD B, ऐसा ही कुछ था। तो यही था और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, AC में 106 है और वेतन लेवल 4 घंटे लेवल 1 के लिए न्यूनतम TRCA 12,000 रुपये। आप इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपका उम्र होना चाहिए 18 से 40 साल तक। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगता है आपको बता देते हैं। योग्यता में आप मैथमेटिक्स लेकर रहना चाहिए आपका 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, मैथमेटिक्स रहना चाहिए और अपना लोकल लैंग्वेज जो है उसमें आपका डिमांड होना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए। ठीक है, और इस बेसिकली तो इसमें लगभग 6 या 7 जिले हैं, उस जिले का जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे आप लोग देख लीजिएगा, लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साथ ही साथ आपको कोई भी विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कहीं से भी आपको 60 दिनों का एक कॉम्प्यूटर कोर्स होना चाहिए। आपका उम्र बता दिए, तो यही था। उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया गया मैं तेरे से सबको समझ पाऊंगा। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।